ये सब तेजस ने किए, मेरे तो पाप करता ही। अरे क्या खूबसूरत नजारा है, वाह यार। ओके दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज है हमारा डे टू इन मुरुडेश्वर। अभी हम जा रहे हैं वापस से मंदिर की तरफ और बारिश है जो शुरू हो चुकी है। हाँ, हम लोग धार्मिक बन चुके हैं, सारे पाप धुल रहे हैं। ये सब तेजस ने किए, मैंने तो पाप करता ही नहीं। भाई ट्रकारी भाई हट जा, उड़ा देगा। यहाँ पे थोड़े रास्ते पतले पतले हैं ना, इसके लिए उज्ज्वल इज कमिंग यार। तो उज्ज्वल आज का क्या प्लान है? आज का प्लान है, आज हम लोग कुछ तो 18 फ्लोर पे जाएंगे ना, वहाँ से उधर ऊपर हम लोग वो था मैं तो गया था, तो आज जाएंगे उधर। आज डे टू का यही प्लान है और आरती अटेंड करने का प्लान है। अभी आरती में वीडियो निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा वो पता नहीं, मोस्टली नहीं, पर एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा आपके साथ, तो बने रहिए। और हम बस पहुँचने वाले, अरे वहाँ क्या ठंडी हवा गई। और प्लान है कि वहाँ पर ऊपर जाएंगे, वहाँ से एक व्यू देखेंगे भगवान शिव शंकर का, और उसके बाद आरती अटेंड करने के बाद वापस घर की तरफ। देखते हैं, टिकट मेरे हिसाब से कुछ 20 रुपया है पर पर्सन। पहले पहले उधर जाते हैं कि पहले इसमें जाने? नहीं नहीं, पहले ऊपर इस वाले लिफ्ट वाले में ना, पहले हम लोग लिफ्ट वाले में जाएंगे। आज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा भीड़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा गर्दी है, कल इतना गर्दी नहीं था। ओ भाई साहब, हमारे साथ धोखा हो रहा है, स्कैम हो गया हमारे साथ। हम लोग गए और लिफ्ट ही बंद हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई भाई बहुत, अरे भाई 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 भाई, अरे अबे जूते आगे, इधर इधर भाई इधर, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय भाई, जाने दो, ऊपर नहीं जाना, इधर रुकते, इधर ऊपर नहीं जाना, ऊपर अबे ऊपर जाएंगे तो भीग जाएंगे। और दोस्तों अभी हमारा है ना प्लान जो है, अरे भाई भाई भाई, अरे बताना पड़ता है यार, क्या करें बता। हमारा प्लान जो है ना उसमें थोड़ा सा चेंज है, स्लाइट चेंज मामा, बारिश हो रही बहुत भयंकर और लिफ्ट जो है वो बंद है, तो हम लोग ऊपर जा नहीं सकते और यहाँ से पीछे ऊपर तक भी नहीं जा सकते, तो बारिश बहुत जोर से आ रही है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे, फिर से वहाँ पर थोड़ा ध्यान व्यान करेंगे, आराम से बैठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अरे बारिश, चलो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। खाली लगा पड़ा, नीचे थोड़ा गर्दी था। दोस्तों मैं आप सभी को एक मस्त और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ, और ये देखिए क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है। वो देखिए सूरज जो है एकदम बादलों से एकदम छुपके से आता हुआ, क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह यार, कुदरत के गजब नज़ारे। और बारिश भी हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही है, इस तरफ पूरी बारिश हो रही है और यहाँ पे सूरज अभी थोड़ी देर में चले भी जाएगा मोस्टली। वो देखिए दोस्तों, हम भोलेनाथ के पास पहुँच चुके हैं, अंदर जाने की वीडियो लेने की परमिशन नहीं है, इसके लिए यहीं से। अच्छा व्यू देखिए, ओ हो इतना खूबसूरत, और इस तरफ देखिए भोले बाबा, ये भगवान तेरा अपरंपार शुक्रिया, भोलेनाथ के दर्शन कर लो, एकदम लाइट में है ये। और इस तरफ आप देखिए ये खूबसूरत इमारत, और बाकी आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं लाइट के ऐसे, बट लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है ये नज़ारा। और तेजस भाई ढूंढ रहे किसको फोटो खींचने के लिए, एक मिला ऐसा, देश कैसे तरक्की करेगा, सिखाना पड़ेगा मुझे, कोर्स लेना पड़ेगा। तू जा पहले, तू जा रहा है छोड़ के? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबको अनाउंस कर दो यूट्यूब पे, मालूम चलना चाहिए किधर जा रही है।
भोले बाबा के जो दर्शन हुए बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो गए हमने। अब एक नीचे एक मंदिर में छोटा सा विजिट मारते दोस्तों, हम लोग अंदर जा रहे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेट चल रहे हैं। चलो चलो चलो, डर गया मैं डर गया, दरवाजा बंद मैं बोला आज रात को मंदिर में शिव भगवान के पास और क्या। तो दोस्तों एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही डिवाइन, मतलब आप सबको आना ही चाहिए यहाँ पे, और इतना शांति वाला है ना यहाँ पे माहौल, यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज आइए आप। और मतलब आज का जो एक्सपीरियंस था, मतलब आज तक ऐसा एक्सपीरियंस मिला नहीं है कहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए थैंक्स टू उज्जवल जो ट्रिप वापस से एक बार बोलना पड़ता है बट इसी के साथ आज का व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको आया होगा मज़ा आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी करो भाई, उज्जवल आया है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।